नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर नया अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सारा जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करना और आपको बता दूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को पर नया अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है। और गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आने के बाद यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आपका जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम का यहाँ पे जो है ऊपर ऊपर आपको लोगो दिखा देगा। दोस्तों लोगों दिखाने देने के बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आपके पास दो अकाउंट होंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विद बोलेगा आपको। यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा साइन अप विद ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो दोस्तों सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो है मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जिस मोबाइल नंबर से मेरे को जो है इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, जिस मोबाइल नंबर से मेरे को इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बनाना है और वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर ध्यान से आप डालिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी आता है। तो नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। फोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा जो है वेरीफाई लेगा। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा एंटर कंफर्मेशन कोड, तो यहाँ पे जो है ओटीपी आपके फोन में आ जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। अभी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। आपको जो है यहाँ पे ओटीपी मैनुअली नहीं डालना पड़ता। ऑटोमेटिकली वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा देंगे नेम एंड पासवर्ड का। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका फुल नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट कर देना है। इसी पासवर्ड से जो है आपको जो है दोबारा नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे। या फिर जो है आप टैप टू लॉगिन वाले बटन को भी एनेबल कर सकते हैं। तो रिमेंबर पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना फुल नेम डाल देता हूँ और एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है फुल नेम डाल दिया है, पासवर्ड सेट कर दिया। अब दोस्तों ये आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टैक्ट और कंटिन्यू विदाउट सिंकिंग कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों इसका दो डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू विद सिंक कॉन्टैक्ट को, तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके फोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जितने भी फोन नंबर्स होते हैं, जितने भी आपके दोस्त होते हैं, जो आपके भाई बंधु होते हैं, रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं, उनके सारे के जो है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको जो है दिखा देंगे और आपको जो है फ्रेंड सर्च करने में जो है इजिली आसानी हो जाती है अगर आप कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टैक्ट वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इसको जो है आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों ये सबसे पहले आपको बोलेगा ऐड योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट कर दी है। डेट ऑफ बर्थ सेट करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक यूजर नेम जो है सेट कर देना है, एड अ यूजर नेम और यूज आवर सजेशन, यू कैन चेंज दिस एट एनी टाइम। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कोई भी एक यूजर नेम जो है सेट कर देना है। किसी भी यूजर नेम को आप जो है बाद में चेंज कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए अगर आपको यूजर नेम चेंज करना है तो बाद में जो है इजीली आप चेंज कर पाएंगे। तो अभी के लिए जो है दोस्तों मैं कोई भी जो है यूजर नेम सेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता है। अभी दोस्तों ये आपको बोलेगा साइन अप एज दिस यूजर नेम, यू कैन ऑलवेज चेंज योर यूजर नेम लेटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अगर आपको यूजर नेम चेंज करना है, यूजर नेम आपको थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ पे जो है आप बाद में चेंज कर पाएंगे। साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों ये आपको बोलता है फाइंड फेसबुक फ्रेंड्स टू कंटिन्यू, जो यहाँ पे दोस्तों ये आपको जो है फेसबुक में लिंक कर देता है। लिंक करने के बाद आपके जितने भी फेसबुक के भी फ्रेंड्स हैं तो वो भी जो है आपको जो है सजेशन में दिखा देगा। तो दोस्तों अभी के लिए जो है मैं स्किप कर देता हूँ इसको और स्किप वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस बोलेगा ऐड प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पे आपको एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देनी है, अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर जो कि सभी दोस्तों को आपको दिखती है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे ऐड फोटो वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे टेक फोटो कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक कर सकते हैं, चूज फ्रॉम लाइब्रेरी कर सकते हैं। तो टेक फोटो वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा या फिर आप आपकी जो गैलरी से फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है फोटो यहाँ पे चूज कर ली है। फोटो चूज करने के बाद यहाँ पे जो है आपको क्रॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। तो फोटो चूज करने के बाद आपको प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों बोलेगा ऑल्सो शेयर दिस फोटो एज दिस पोस्ट, तो अगर आपको शेयर भी करना है पोस्ट में तो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीपल सजेशन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो भी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे जो है आप सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है पीपल सजेशन में आपको दिखाएगा। तो जितने भी नए नए जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी नए सेलिब्रिटीज हैं उनको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लेंगे प्रियंका चोपड़ा, सेलिना गोमेज, तो जितने भी ऐसे जो सेलिब्रिटीज हैं
उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर्स क्रिकेटर्स जितने भी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों नीचे आप सर्च वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ अच्छे अच्छे जो है पीपल के सजेशन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे रील्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको फेवरेट्स वाला आपकी जो एक्टिविटी वाली जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपके दोस्त के भी जो है कुछ दोस्तों के भी जो है प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाती है जिनको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को आपको फॉलो करना है तो आप जो है यहाँ से इजीली जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो है आपको अपनी प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो है प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन चुकी है। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे ऐड बायो, तो आप अपने बारे में जो है कुछ भी बायो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों ये बायो मैंने सिंपली ऐड कर दिया। सिंपली ऐड करने के बाद बायो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपनी एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो है यहाँ पे आपका यूजर नेम चेक कर सकते हो, बायो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपके प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो, प्रोफाइल चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई प्रोफाइल वगैरह चेंज करनी है। तो इस तरह जो है दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर जो है अकाउंट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए जो है आप इंस्टाग्राम पे आप खुद का जो है एक नया अकाउंट बना सकते हैं आपका फोन नंबर वेरीफाई करने के बाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी आपको समस्या है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बने चले मिलते हैं, तब तक मुझे बने रहता।